जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों आप सभी को पता है आज है 8 जुलाई और आज से ही नेवी MR और SSR का पेपर जो है शुरू हो गया है। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, सारे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ मेरे भाई। और क्वेश्चन का अगर लेवल की बात करते हैं तो इस बार का जो पेपर है ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के पेपर आ रहे हैं, ना ज़्यादा मतलब कि टफ आ रहे हैं ना ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक तरह से बोल सकते हैं बीच का, कोई पेपर इजी भी आ रहे हैं कोई शिफ्ट के, तो ये सीन है। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन देखोगे तो अंदाज़ा आपको लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। मैथ के क्वेश्चन हमारे साथ बच्चे ने शेयर नहीं किया, पहले बता दो मेरे पास जीके और साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, और जीके और साइंस के पूरे क्वेश्चन आए तो उन सारे क्वेश्चन के आपके साथ शेयर करूँगा। बस एक आइडिया बताया बच्चे ने कि किस किस टॉपिक से मैथ के अंदर पूछे गए, तो वो चीज़ आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ। मैथ में आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लो मेरे भाई। दूसरा चीज़ आप लोग कर लेना मेरे भाई, क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरे भाई, ठीक है, त्रिकोण मिति है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको आप लोग कर लेना। चौथा आप लोग जो सिंप्लीफिकेशन है मेरे भाई, जो बोर्ड मार्क्स की तरह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप लोग देख लेना मेरे भाई। फिलहाल इतना टॉपिक हमें बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, एग्जाम है तो। ठीक है, बाकी चलिए चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखो गुजरात की राजधानी का बहुत इजी है गांधीनगर मेरे भाई, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो PDF दिया था 550 वाले प्रीवियस, उसमें क्वेश्चन डाल रखा हूँ मेरे भाई। मैं सब कुछ आप लोग आइडिया, बहुत सारे क्वेश्चन लड़े, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं एग्जाम वो बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन लड़े आपके जो यूट्यूब पर पढ़ाया और जो PDF दिया उन सभी से। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो, मैं बोलूँगा ना आपने एग्जाम दिया तो खुद आपको पता होगा। QR कोड का पूछा गया था मेरे भाई, फुल फॉर्म क्यू का रिस्पॉन्स हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। उसके बाद देखो चिल्ली की मुद्रा क्या है, तो पीसो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैं एक बार बता देता हूँ, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम है जो भी शिफ्ट में, उनको एक बात को ध्यान रखना है मेरे भाई। ध्यान क्या चीज़ का रखना है, देखो जो भी मतलब कि जो कंट्री और कैपिटल है और करेंसी है उसको याद करना, कौन से देश का करना है मेरे भाई। देखो जो भी इंडिया के नज़दीकी देश पड़ता है, ठीक है, इंडिया के आसपास का जो देश पड़ता है ना उसका आप लोग याद कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा जो थोड़ा फेमस स्टेट कंट्री है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया से दूर है फिर भी फेमस है, उन सभी स्टेट का जो कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, वो सब कुछ आप लोग याद कर लो। मास्टर जीके के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको पूरा देख लेना, आप लोग 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा एग्जाम में मेरे भाई। और PDF लिए का भी, ठीक है, बाकी जो भी क्लास करवाए हुए 2-3 दिन पहले क्लास है उससे भी आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं। देखो कोलकाता किस नदी पे स्थित है, तो हुगली नदी हो जाएगा। टेस्ला किसकी कहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो ये महा जो PDF मैंने दिया था उससे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। देखो नरोरा परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद देखो कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ये भी मैंने करवाया है। उसके बाद देखो कि सोडियम कार्बोनेट का जो मतलब कि कहा जाता है बाइकार्बोनेट को, तो बेकिंग सोडा कहा जाता है, ये भी मैंने PDF में करवाया है। नौकादौर किस राज्य में मतलब कि माना जाता है, केरल में हो जाएगा। पहला अर्जुन खेल पुरस्कार जो किसे मिला, तो कृष्णदास को मिला। यात्रा कहाँ का नृत्य है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ये भी अभी 2-3 दिन पहले जो नृत्य वाला है वो मैंने करवाया था वीडियो में, तो देख के गए होंगे, उनको जरूर बेनिफिट मिला होगा। अंग्रेजी किस भाषा का राजकीय भाषा है मेरे भाई, तो नागालैंड का हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के जो फील्ड मार्शल से पुरस्कृत किए गए वो कौन से मेरे भाई, तो अर्जुन सिंह है। उसके गर्दी कहाँ का लोक नृत्य, तो पांडुचेरी का है मेरे भाई। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक, वचन एवं नारे 2 दिन पहले वीडियो करवाया उसमें क्वेश्चन भी करवाया था। मधुबनी कहाँ की जो है चित्रकला शैली है मेरे भाई, तो ये बिहार की है मधुबनी पेंटिंग, आप लोगों को पता होगा। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दिया गया, तो BSF को दिया गया है मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। इसराइल की राजधानी कहाँ है, देखो जेरूसलम, मैं बोला हूँ कि आप लोग राजधानी भी याद कर लेना, देश राजधानी भी आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, जो भी फेमस है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। SUV का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्पॉट यूटिलिटी व्हीकल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। शेर का मुँह किस नदी को कहा गया मेरे भाई, सिंधु घाटी जो नदी उसको कहा गया सिंधु नदी को। उसके बाद यहां पर सूर्य के सारथी का नाम बताएं, अर्जुन हो जाए, अरुण हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद अमेरिका पे आतंकी हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को हुआ था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहां पर CRR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा इसका CRR फुल फॉर्म। नहावा सेवा किस बंदरगाह का नाम है भाई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम है। ठीक है, और भगवान इंद्रदेव ने किसको पराजित किया था, तो मेघनाथ को पराजित किया था, याद रखिएगा। और खनिज मिट्टी के किस क्षेत्र में पाया जाता है मेरे भाई, तो होरिजन बी के में पाया जाता है। और उसके बाद है कि दाल में जो है कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है मेरे भाई। पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था मेरे भाई, ठीक है, तो वो जापान किया था। ठीक है, और महिला के लिए हॉकी विश्व कप कब शुरू किया गया था, तो ये
1974 में महिलाओं के लिए क्या किया गया था, विश्व हॉकी कप शुरू किया गया था। कौन सी फिल्म पोखरण परमाणु परीक्षण पर आधारित है, तो परमाणु मूवी जो आई थी वो पोखरण परीक्षण पर आधारित है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला, यहाँ पर घरों का उपयोग में किए जाने वाले बिजली की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मिट्टी की अम्लता में सुधार लाने के लिए सहायक कारक कौन से होते हैं, तो चूना जोड़ना होता है। और कैल्शियम का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो 40.078 U के बराबर होता है। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो इतना ही क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो भी बंदे हमारे साथ शेयर किए हैं सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर लग रहा है कि इसमें और कोई क्वेश्चन छूट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पास कर दीजिएगा, या टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ये PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पर खुद रीड कर लेना, नोट करना चाहते हो नोट कर लेना। और वहाँ पर जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं आज के 8 जुलाई के तो वो दूंगा। मैं आज पूरा दिन बिजी था जिसके कारण आप लोगों को मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन नहीं कर पा पाया, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि सारे को शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर एक चीज़ आप लोग बताऊंगा। लास्ट जिनका कल एग्जाम है, मैं बोल रहा हूँ भाई मास्टर जी के देख लो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने PDF नहीं लिया, अगर लेना चाहते हो तो PDF ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ रहे हैं PDF से, हो सकता है नेक्स्ट डे आपका भी लड़े मेरे भाई, तो आप लेना चाहते हो तो ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मैं यही बोलूँगा मेरे भाई कि जितना हो सके ना, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सारे एग्जाम के रिव्यू देखना, मेरे यहाँ से नहीं देख रहे, कोई और चैनल फॉलो कर रहे हो वहाँ से देखो कहीं से, लेकिन ज़रूर देख के रहना पूरे एग्जाम रिव्यू को। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।